पे कैसे कैसे रही जिंदगी आपकी? बुढ़िया तो गुजर गई थी हमारी, गुजर गई जब आपने इतनी बड़ी बड़ी रोटी हमारा तो एक से काम हो जाएगा इसमें। उसी रात गुजर गई। आपने फोटो ले रखे हो? हाँ फोटो लिया था मैंने। ताए लोग आप दरवाजा नहीं बनाते, ये गलत काम है, आप दरवाजा बनाया करो आप। बढ़िया, क्या बन रहा आज? अरे तो शर्मा के रहो आप, मतलब दिन भर काम काम काम, तब टाइम ही नहीं मिलता इनको तो। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक नई लोकेशन पे कुछ जनजाति को, उस ट्राइब को एक्सप्लोर करने और उनकी लाइफ के खट्टे मीठे प्यारे दुख सुख को अनुभव करने। तो ये चलते हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने प्यारे प्यारे हट्स यहाँ पे हैं। और ये लोकेशन है ऋषिकेश के पास में, ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस शहर है और इसको योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो योग नगरी के पास यानी कि ऋषिकेश के पास में ही मुझे कुछ ट्राइब्स देखने को मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके पास जाऊँ, इनकी लाइफ को एक्सप्लोर करूँ। तो आइए फ्रेंड आपको लेके चलता हूँ इस ट्राइब के पास। आप देख रहे हैं इनके प्यारे प्यारे गाय भैंस यहाँ पे बंधे हुए हैं। आप देख रहे हैं, एक देख रहे हो काओ कितनी प्यारी लग रही है, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन ये इसको कलर डोमिनेंसी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और ये देखिए आप, उधर भी बहुत सारे पशु यहाँ पे हैं, कुछ भैया लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे एक भैया है। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया भाई जी, क्या नाम भैया आपका? काकू नाम है आपका? हाँ। वैसा नाम क्या है? काकू ही बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट पे काकू ही है? काकू। तो काकू भाई कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? हम तो भाई कई साल हो गए। कई साल हो गए? कई साल बरसों बीत गए यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, जब से अब धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे जंगल खत्म है, सिमटते जा रहे हैं सब लोग। हाँ, हाँ, हाँ। तो पशुओं का क्या करते? जंगल खत्म हो रहा, पराल डाल रहे, खरीद के डाल रहे। अच्छा अच्छा। ताई कैसे हो आप? बढ़िया। स्वास्थ्य पानी बढ़िया आपका? सब ठीक। पहचाना आपने, मैं आया था, मेरी बहन भी आई थी आपके यहाँ पे। नारा धोना हो गया? हाँ। पानी तो व्यवस्था है आपके यहाँ पे, है ना? अच्छा। और ताई बताओ, तब से कैसे कैसे रही जिंदगी आपकी? ठीक है, बुढ़िया तो गुजर गई थी हमारी। गुजर गई जब आपने वहाँ फूट लिया? अरे जो बाइक में जा रही थी, बीमार थी, गुजर गई उसी दिन। गुजरी बोले थे मुझे बुखार है की। अरे वो तो ठीक लग रही थी। अरे रे 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 बेचारी, वो तो बोली थी मेरे को कुछ बुखार भी है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम बता रही थी। दर्द था। ए राम राम राम। मैंने सोचा मैं दादी को मिलूंगा। दादी को? दादा आया, दादी गुजर गई। दादा वही होंगे? उसी रात गुजर गई। आपने फोटो ले रखे हो? हाँ फोटो लिया था मैंने। अरे कहाँ, यहाँ आ गई तो उस टाइम वहाँ थी वो, गैंडी खेता थी क्या? कहाँ थी? छिद्र वाला थी। हाँ मैंने मिली थी, बात करी थी मैंने, बात करी। तो भाई देखो यहाँ पे है फारूक। फारूक भाई आपका है ना? ये फारूक भाई का, यानी काकू आपके पापा है। अच्छा अच्छा। तो काकू जी के जो है एक हटिए है, एक हटिए है, ये भी आपकी है, वो भी आपकी है, रसोई होगी। दिखाता हूँ रसोई इनको, खाना बनाने की रसोई। आपने रसोई अलग करी हुई? काफी लोग क्या करते हैं ना, आता ही उसी में कर देते हैं रसोई में, जाता हूँ लोगों को देखा। आपने अलग करी हुई है? अलग अलग समाज खुश होता भी है कोई यहाँ रसोई खाली खाने का करा हुआ? हाँ मैंने ज्यादातर देखा ना लोगों का, गुज्जर लोगों का। हाँ दो ही होते हैं ज्यादातर लोगों के, एक रसोई खाना पीना का, वहीं सोने का, एक दूसरा होता है जैसे मेहमान उमान आ गए तो बैठने का। ये आपने बना रखा, बैठक बना रखी आपने। ताई अपना नाम भूल गया मैं, ताई आपका क्या नाम था आपका? मेरा नाम ताजी। ताजी भी ताई का जो है घर देखो आप। ये देखिए रसोई, खाना पीना हो गया क्या? अभी बन रहा है? ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए हट पूरी। ताई लोग आप दरवाजा नहीं बनाते, ये गलत काम है, आप दरवाजा बनाया करो आप। ये देखिए रसोई, ओ बहन जी खाना बना रही है। क्या है आपकी सिस्टर है, फारूक की पत्नी कौन सी है? अभी नहीं आ रखी। नमस्कार बहन जी, क्या हालचाल आपका? बढ़िया, क्या बन रहा आज? क्या बन रहा? रोटी और
सब्जी किस चीज की? आलू का। अरे तो शर्मा क्यों रहे आप भाई? भाई रोटी तो बड़ी खतरनाक बना रखी है आपने, चौड़ी चौड़ी दिखाओगे थोड़ा? चौड़ी चौड़ी रोटी बना रखी है आपने, ये देखो, ये देखो जी, गुज्जर रोटी ऐसे बनाते हैं। एक रोटी से काम हो जाता है एक इंसान का है। हाँ। कितने रोटी खाता है एक इंसान? एक एक, एक, एक? हाँ। अच्छा हैं? ज्यादा रोटी खाते हैं। एक ही खाते हो? हाँ। मतलब काम आसान हो जाता है, ज्यादा नहीं बनानी पड़ती। हाँ। आपका क्या नाम बहन? हसीना। रसीला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप इनकी बेटी है? बहू है आप? अच्छा 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 अच्छा, बहू है, बेटी है ये लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, किधर है आपका मायका? पथरी, हरिद्वार। अच्छा अच्छा, तो फारूक की पत्नी कौन है फिर यहाँ पे? आप उनकी भाभी हैं? अच्छा, आप छोटी भाभी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, आपने करा हुआ किचन का अलग से, फर्स्ट क्लास। तो खाना पीना भी बन गया कि आप खा रहे हैं? आप खाएंगे? मुझे लगता है चटनी बना रखी है आपने शायद, हैं? वाह, अलग अलग है, वहाँ रोटी अलग, यहाँ रोटी अलग। ये देखो भाई रोटियाँ, इतनी बड़ी बड़ी रोटी। हमारा तो एक से काम हो जाएगा इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी चौड़ी रोटी है, गुज्जर लोगों की रोटी है। और क्योंकि मेहनत भी उतनी ही करते हैं भाई, क्या करें, बहुत मेहनत का काम करते हैं लोग, बहुत मेहनती कौम है इनकी, मतलब दिन भर काम काम काम, मतलब टाइम ही नहीं मिलता इनको। तो फिर ये एक ही रोटी खाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो एक ही रोटी से जो है ना सिस्टर, एक ही रोटी से काम हो जाता है। स्कूल स्कूल गई कोई आप लोग? अरे नाम तो बता दो अपना, क्या नाम है ना आपका? परमा। आप स्कूल गए आप? नहीं। तो क्या काम होता है आपका यहाँ पे? घर का काम होता होगा बस। अच्छा अच्छा अच्छा, और भाभी तो पूरा खाना वाना बनाती होगी, आप भी मदद करते हो भाभी की? हैं, करते हो भाभी की मदद काम करने में, करते मदद ये? अच्छा सिस्टर, ये बताओ खाने में क्या क्या बनाते हो आपको, जो लोग क्या क्या बनाते हैं खाने में? खीर वीर बनाते हो आप लोग? दूध का क्या क्या आइटम बनाते हो? अच्छा पनीर। अच्छा जैसे आप लोग पनीर बनाते हो, तो रेगुलर रोज रोज खाते हो कि कभी कभी खाते हो पनीर अपने लिए? आप कभी कभी? ओ ताई तो खाना खा रही है अभी। ओहो, आलू की सब्जी? आलू की सब्जी, रोटी। अच्छा ये थाली ना मैंने सब जगह देखी, ऐसी हमारी थाली है ना, सबके पास यही थाली है, चाहे तुम मणिमय मंदिर जाओ, चाहे तुम हरिद्वार जाओ, ये स्पेशल मिलती कहाँ है थाली ताई? नजीबाबाद। बेचने वाले आते हैं? तो ये आप लोगों की गुज्जर लोगों में चलती है कि और भी लोग? गुज्जर लोगों में चलती है। तो ऐसा क्या है भैया इसमें अलग से कि आप लोग इसमें खाते हो? आजकल तो स्टील वाली चलती है, आप देखते होंगे, पहले से ही चल रहा है। पर आप पकड़ की चले थी। हाँ, अब तांबा खत्म, तांबा महंगा हो गया, अब तांबा कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ना, और वो कांसे की चलती थी, कांसे की चलती थी, कांसे की, तो बंटे कांसे के चलते, बंटे चलते थे कांसे के, अब नहीं है, अब महंगे हो गए, कोई खरीद ही नहीं पा रहा, खरीद नहीं पा रहा कोई। उसके अंदर से ये निकाली, ये निकाली। हाँ सही बात। ताई कैसा हो रहा? ठीक है, बढ़िया बनाती बहू। आप भी बनाते कभी कुछ? बना लेते हैं खाना। बनाते हो कभी जब टाइम मिले? हैं तो आपका दिन का खाना हो रहा है? दिन का खाना, नाश्ता सुबह हो गया, सुबह चाय के साथ एक रोटी खा, जंगल चले गए, जंगल चले गए, किसने घास लाया? हाँ, किसने भैंसों को डंगर लाए? अच्छा, अब खाना खा के 3 बजे फिर जंगल जाएंगे, फिर जंगल जाओगे? हाँ भाई कैसा बना वो खाना? सही है, सही है, सही है भाई, सही है। आप भाई चारा कम है क्योंकि जंगल तो रहा नहीं, जंगल रहा नहीं। तो ताई आपको जाना पड़ता है घास के लिए कहीं बाहर? चले जाते हैं जंगल में। जंगल में जाते हो? अंदर जंगल है यहाँ पे? अंदर काफी होगा ना, ठीक है। तो घास वाली घास हो जाती है यहाँ पे काटने वाली? अरे
भैया पेड़ पेड़ से पेड़ की जैसे पहाड़ में होता है तो घास होती है ना, ना यहाँ नहीं है वो नहीं होती ना, यहाँ तो खेत में लेंगे मोल से हम मोल से लेंगे बरसात में आजकल कहाँ है। पराल आपने मोल ले रखा होगा, धान कटा होगा उसका होगा ना ये धान का, तो क्या रेट पड़ता भैया धान का पराली भाई? 1200 बीघा। अच्छा, बीघे का साल बीघे का 1200 रुपए, 1200 2000 बीघा भी है, 2000 बीघा भी है। हाँ, बहुत महंगी है। अलग अलग रेट जिसका जिसका है, जैसे भाई जैसा जैसा है, जैसे इसके मुंह पे आ गई। हाँ, जिसका मूड में आ गया वैसा बेचते हैं, वैसे बेचते हैं। ये कबूतर भगाने के लिए क्या? अच्छा, बिठाने के लिए। पाल रखे कबूतर आपने? जंगली बैठते हैं। अच्छा, तो आपने बना रखा है? बैठने रखा मैंने, कहा बैठेंगे आराम करेंगे, कबूतर आ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा काम भाई आपने। हाँ। आते हैं वहाँ पे? आते हैं, कहीं बैठ के जाते हैं, बैठ के जाते हैं, जंगल चल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स ये देखिए लगी फिर बस सही है। दादी तो चली गई? दादी गई। अरे यार, बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के भाई। बताओ दादाजी यहाँ आ गए? उस टाइम वो भी जा रखे थे? नहीं, दादाजी आ गए। दादाजी आ गया। अच्छा 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 अच्छा, तो लाइट का कुछ हुआ उस टाइम? मुझे बता रहे थे लाइट का कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ लाइट का? अंधेरा, अंधेरा, लाइट का कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, पानी का भी नहीं है कुछ। कुछ प्रयास किया आपने? प्रयास किया मगर कुछ नहीं हुआ। एनओसी नहीं मिली डीएफओ से। एनओसी नहीं दे रहा डीएफओ, ये समस्या। सोलर वोलर नहीं आपके पास? सोलर है, ये लगा रखी है। सोलर क्या कर सकती है? हाँ, एक सोलर क्या करेगी? सही बात। आप गए थे पहाड़ों में? आप भी गए थे? कहाँ गए थे पहाड़? मैं इधर गया टीरी से। टीरी से ऊपर कहाँ? घनसाली, मयाली, चिरबट्टी, चिरबट्टा, मयाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर डांडा, 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 डांडे ऊपर गए होंगे। कितनी भैंसे ले गए थे आप? चार चार की जा रखी, 30-35। वो आ गए सबके सब? सब आ गए। अब गर्मियाँ कट गई, सर्दियाँ, सर्दियाँ कैसी हो रही हैं? सही हो रही, स्टार्ट हो गई सर्दियाँ? ज्यादा सर्दी नहीं, नॉर्मली है, नॉर्मली है ना, शुरुआत ही हो रही है। तो फ्रेंड, जैसे मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये हैं जो यहाँ पे फारूक भाई हैं, काकू भाई हैं, ये जो इन्होंने जो है अपने भैंसों के, अपने गाय के लिए इस तरह की व्यवस्था की है, जो कि बता रहे हैं कि 2000 रुपये बीघा के हिसाब से धान की जो ये पराली होती है इनको मिलती है, कहीं 1200, मतलब जैसा जैसा रेट होता है वैसा मिलता है। और रीज़न बस यही है कि जो जंगल है ना वो सिकुड़ते जा रहे हैं। अब इनकी समस्या यही है कि ये रहते हैं बिल्कुल भानियावाला डिस्ट्रिक्ट के पास में, तो यहाँ पे अब थोड़ा बस्ती बस चुकी है, क्योंकि ये रहते थे पहले 100 साल, कब से रह रहे थे, तो उस टाइम जंगल बहुत घना हुआ करता था तो इनको कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अभी जंगल आप देख रहे हैं, जंगल तो है लेकिन ये पूरा वन विभाग के अंडर आता है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, तो इस तरह से इनको इस तरह से पराली लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है। तो इनके सर्वाइवल पे बहुत ही एक गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो इनको चारा खुद ही कहीं ना कहीं घास वास मिल जाता था तो इजीली इसको काम कर लेते थे, लेकिन अब इनको पैसे दे के चारा करना पड़ रहा है तो और उस हिसाब से इनका रिटर्न नहीं होता है, तो इनकी लाइफ में बहुत सारे इशू आ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो भी गवर्नमेंट का जो भी वन विभाग वाले हैं या जो भी संस्थाएँ हैं जो हेल्प करती है, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करिए और जंगल में इनको अलाव करिए कि इस तरह से पेड़ पौधे काट सकें। और साथ ही साथ अगर कोई इनके लिए गवर्नमेंट से कोई जैसे कुछ गवर्नमेंट के अंडर कुछ ऐसे खेत वेत होते हैं जहाँ पे पराली होती है, तो क्यों ना उसका ऑक्शन इनके लिए किया जाए, जो कि जिनका पूरा जीवन जो है इसी पर डिपेंड होता है। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव केरला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस भाई का इस वीडियो को शेयर करते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि आप ही मुझे इस लाइक बना सकते हैं कि मैं इन जैसे लोगों की मदद कर पाऊँ। बस आप बस मेरी खाली एक ही मदद करिए कि मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और मुझे इस लायक बना दीजिए, मैं इन जैसे हज़ारों लोगों की अरमान पूरी कर पाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। अब वो होगा सिर्फ और सिर्फ जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।